हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम बनाएंगे सर्दियों की सबसे खास और बेहतरीन रेसिपी मक्की की रोटी, जिसे खाना हर किसी को पसंद होता है सर्दियों के मौसम में। पर इसे बनाना एकदम झंझट सा लगता है, क्योंकि कई बार इसका जो आटा होता है वो आपस में जुड़ता नहीं है। तो आज हम ऐसी ट्रिक का यूज करके रोटी बनाएंगे जिसकी वजह से आप आसानी से इसे बना पाएंगे। अगर आपने इस ट्रिक को यूज करके एक बार रोटी को ऐसे बना लिया, तो हर बार आप इसी ट्रिक का यूज करके आसानी से रोटी को बना पाएंगे, वो भी बिना किसी देरी के और बिना किसी झंझट के। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मक्की की रोटी। सबसे पहले एक पैन को गैस पर रखेंगे। आप कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप जितना पानी, यानी 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए या इसमें एक उबाल सा आ जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मक्की का आटा। 1.5 कप पानी के अंदर 2 कप मक्की का आटा परफेक्ट मेजरमेंट होता है। इसे मैंने कटोरी से नाप कर लिया है, इसे आप कप से भी माप कर ले सकते हैं। मिक्स कर देंगे आटे को पानी के साथ। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और ये अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 10 मिनट के करीब हो चुके हैं आटे को रखे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं आटे को। तो देखिए सारे पानी को इसने सोख लिया है। अब हम इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे आटा जो है अच्छे से ठंडा भी हो जाए और इसे हम अच्छे से गूंथ पाए। क्योंकि बड़े बर्तन या फिर प्रांत में निकालने के बाद ही हम इसे अच्छे से मसल पाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर पाएंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगे, तब आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वो भी आटा गूंथते टाइम। और अगर ये आपको पतला लग रहा है, तब आप इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा भी ऐड कर सकते हैं। पर मुझे एकदम ये परफेक्ट लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अलग बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से अब हम मसल लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। डो लगाने के लिए अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई लम्स या गुठलियाँ ना रहे और इसके अंदर जितने भी क्रैक्स हैं वो भी सब खत्म हो जाए। तो इसे हम तब तक मसलते रहेंगे, 5 से 7 मिनट इसे लगभग लग जाएंगे इसे मसलते हुए, तभी हम इसकी परफेक्ट रोटियां बना पाएंगे। डो लगकर एकदम तैयार है रोटियां बनाने के लिए। अब हम इसके पेड़े बनाकर देख लेंगे। अगर इसके अंदर क्रैक्स आते हैं, तब हम थोड़ा सा इसे और मसल लेंगे। तो देखिए एकदम से परफेक्ट पेड़े इसके बनकर तैयार हुए हैं रोटी बनाने के लिए। अब हम इसे थोड़े से सूखे मक्की के आटे में लपेट लेंगे और इसे जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बना करके तैयार करते हैं, वैसे ही चकले बेलन पे बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे पेड़े को भी हमने रेडी कर लिया है। इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई क्रैक्स नहीं आया है। तो इसी तरीके से हम बाकी के आटे के भी पेड़े बना करके पहले तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 रोटियों के पेड़े बना करके पहले ही तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे हम बेल लेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी को बना करके तैयार करते हैं। तो देखिए कितनी इजीली तरीके से हम इसे बना पा रहे हैं, बिल्कुल भी ना ये चिपका है, ना ही बीच में से क्रैक हुई है रोटी। आप इसे जितना चाहे उतना पतला बना ले, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी रोटी ये। तो देखिए आसानी से हम इसे पलट पा रहे हैं। तो इजीली हमने रोटी बना करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए पुराने तरीके से अगर हम रोटी को बनाते हैं, तो जब हम इसे हाथ पे उठाते हैं तो कई बार वो बीच में से क्रैक हो जाती है। लेकिन अगर हम इस ट्रिक का यूज़ करके रोटी को बनाएंगे, तो हाथ में उठाने के बाद भी रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी और ना ही चिपकेगी, तो देख सकते हैं आप। तो सेम वे से हम बाकी की रोटियाँ भी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 रोटी बना करके इसी तरीके से रख लिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम इकट्ठी रोटी बनाकर भी एक बार प्लेट में रख सकते हैं, और जब दिल करे बाद में हम इकट्ठे इनको सेक भी सकते हैं। तो आपस में ना ये रोटी चिपकेगी, ना ही ये टूटेगी। तो इजीली आप इसे बना पाएंगे। देखिए कितनी आसानी से हम इसे बेल पा रहे हैं। तो देखिए हाथ में उठाने के बाद भी रोटी बिल्कुल नहीं टूट पा रही है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं आया है। तो देखिए दूसरी रोटी को भी हमने इसी तरीके से प्लेट में बना करके रख लिया। आप इस ट्रिक को एक बार यूज करके जरूर देखिए, आपको ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। जिन लोगों को ये रोटी बनाने नहीं आती थी ना, वो भी अब इसे इजीली बना पाएंगे और सर्दियों में एंजॉय ले पाएंगे इस मक्की की रोटी का, जिसे आपने अपने हाथों से बना करके तैयार किया है। तो देखिए कितनी पतली रोटी मैंने बना करके तैयार की है, बिना फटे और बिना टूटे।
तो मैंने 3 से 4 रोटियां बना करके पहले ही प्लेट में तैयार कर लिया है एक बार बना करके। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। रोटी सेकने के लिए पहले से ही हमने यहाँ पे तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तवा गर्म हो जाए जैसे ही वैसे ही हम इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। एक तरफ से जब रोटी सिक जाए तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो देखिए हमने साइड को भी रोटी की चेंज कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है तवे पे ये। तो इसी तरीके से हम रोटी को उलटते पुलटते हुए दोनों साइडों से थोड़ा सा पहले सेक लेंगे। तो दोनों साइडों से रोटी थोड़ी सी सिक चुकी है, अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी को भी तवे पे डाल देंगे। अब हम इसे गैस के ऊपर सेक लेंगे। तो देखिए एकदम से फूली फूली रोटी बन करके तैयार हुई है, बाकी की रोटियाँ भी एकदम सॉफ्ट और नरम बन करके तैयार होगी। अब हम इन गर्म गर्म रोटियों के ऊपर ही लगाएंगे बटर। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पे देसी घी भी लगा सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा, जिससे खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम बाकी की रोटियों को भी इसी तरीके से सेक लेंगे। पहले तवे पे थोड़ा सा सेक लेंगे दोनों साइडों से, इसके बाद इसे गैस के ऊपर सेकें जिससे कि रोटी फूली फूली बन करके तैयार हो। और साथ के साथ लगा दें गर्म गर्म रोटियों पे बटर या फिर घी, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। इस ट्रिक का यूज़ करके अगर आप रोटी को बनाते हैं तो आप बड़ी इजीली इसे बना पाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। तो आप इस ट्रिक को एक बार अपना करके ज़रूर देखें, आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है ये। और झटपट से आप सारी रोटियां मिनटों में बना करके तैयार कर लोगे 5 से 10 मिनट के अंदर। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी इजीली हमने फूली फूली रोटियां बना करके तैयार कर ली है, वो भी कुछ टाइम के अंदर ही। तो ऐसे ही आप भी एक बार इसे ज़रूर बना कर देखें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने मक्के की रोटियां बना करके तैयार की है, अगर आप चाहें तो इसके पराठे भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तवे पे रोटी को डालें और दोनों साइडों से घी लगा लें और उसे उलट पुलट करते हुए अच्छे से सेक लें। तो फ्रेंड्स बाकी की बची हुई रोटियों को भी हम सेम वैसे सेक लेंगे। इस ट्रिक का यूज करने के बाद आपको मक्के की रोटी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप इसे प्रॉपर तरीके से ईजिली बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा मक्के की रोटी बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए साथ के साथ हमने इस पे बटर भी लगा दिया है और कितनी इजीली हम इसे मोड़ पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी है ये। इस रोटी को आप जितनी चाहे देर तक रख लें, काफ़ी टाइम तक ये सॉफ्ट बनी रहती हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। और आप इसे जितना चाहे मोड़ लें, ना ये बीच में से क्रैक होगी ना ये टूटेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितनी बार फोल्ड किया है, बिल्कुल भी रोटी नहीं टूटी है और ना ही बीच में से क्रैक हुई है। तो देखा आपने कितनी सॉफ्ट रोटी बनके ये तैयार हुई है। सर्दियों में इस तरह की रोटी को सर्व करें गुड़ के साथ और सरसों के साग के साथ, जो कि इसका बेस्ट कॉम्बो माना जाता है, और इसे इंजॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा रोटी बनाने का, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।